फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक टैरो वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है आपके ऊपर जिसने ब्लैक मैजिक कर रखा है, आपके ऊपर जो जिसने नेगेटिविटी कर रखी है, उससे क्या सज़ा मिलेगी। ओके, मैं ऐसी व्यक्ति हूँ गाइज, और ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि कर्मा होता है। ओके, जैसे अगर आप कोई बुरा कर्म करते हो तो उसका फल आपको बुरा मिलता है, भले ही वो इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, या फिर इमीडिएटली कल हो, या फिर इमीडिएटली आज हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपका कोई काउंट रख रहा है, यूनिवर्स चाहे भगवान जिनमें भी आप मानते हो, एक काउंट रखा जा रहा है कि आपके अच्छे कर्म क्या है, आपके बुरे कर्म क्या है, और उस हिसाब से जब टाइम आएगा तो आपको सज़ा उस हिसाब से मिलेगी, या फिर अच्छे फल आपको उस हिसाब से मिलेंगे। ब्लैक मैजिक ये ऐसी चीज़ है जो निगेटिव भी बोलना उसको बहुत कम होगा, बहुत कम शब्द होंगे, यानी कि निगेटिव से भी कुछ ज़्यादा अगर है शब्द तो उसे देना चाहिए, इतना ख़राब चीज़ ब्लैक मैजिक है। और जब कोई ब्लैक मैजिक करता है तो उसकी सज़ा उसे काफ़ी बुरी मिलती है, फॉर श्योर। इसीलिए हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि भले ही आप ब्लैक मैजिक का शिकार हो, पर ब्लैक मैजिक आपको कभी नहीं करना चाहिए। ओके, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि उस इंसान के ऊपर, उस इंसान ने जिनके आपके ऊपर ब्लैक मैजिक जिन्होंने किया है, उनको क्या सज़ा मिलेगी, कैसी सज़ा मिलेगी। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू कहीं पे भी हम उन्हें सज़ा देंगे ये एटीट्यूड नहीं है, ना मेरा है ना आपका होना चाहिए। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, भगवान समर्थ हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। ठीक है, हम सिर्फ देखने वाले हैं कि ब्लैक मैजिक किया है उसकी सज़ा क्या मिलेगी। ओके, कहीं ना कहीं हमारा कर्मा पे विश्वास है, इसलिए आप लोगों के सामने दो पाइल्स रखे हैं मैंने। एक है पिंक ब्रेसलेट, ओके, एक है ये पिंक ब्रेसलेट, पाइल नंबर वन। पाइल नंबर टू है ये ब्लू ब्रेसलेट। तो जो भी आपको कलर पसंद आता है उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, उस हिसाब से आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो। आप वीडियो फॉरवर्ड करो, इससे पहले आज आपकी क्लिंजरिंग कर लेते हैं। मैं इस चैनल पे मोस्टली क्लिंजरिंग कर रही होती हूँ ब्लैक मैजिक से, आपको यू नो एनर्जेटिकली क्लिंज करने के लिए, एनर्जी आपकी जो है प्योर बनाने के लिए। तो अपने आँखें बंद कीजिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम क्लियर, आई एम पॉजिटिव, I am sure, I hold goodness, I hold kindness, I hold care, I hold love, I release negativity, I release pain, I release clutter, I release grief. Thank you universe for protecting me. Thank you universe for cleansing me. Okay, let's start with the video. अगर आप एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा बैच नंबर 23 शुरू हो रहा है 12th of April से, सो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूँगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर वन से, जिन्होंने पिंक ब्रेसलेट चूज़ किया था। कोर ऑफ द रीडिंग है आपका लव। ओके, सो समवेयर आपके लव लाइफ में मुझे इश्यूज़ दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक। ओके, लव लाइफ यानी कि सिर्फ लव, पहला लव तो ये है लवर्स में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, या फिर इस तरह का लव जो होता है
उसमें मुझे आपका कहीं ना कहीं इशू दिखाई देता है बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक। एंड सेकेंड थिंग ये है कि सारे रिश्तों में जो है दरारें आ रही हैं ब्लैक मैजिक की वजह से, ठीक है। ये आपका मुझे कोर दिखाई देता है, जिन्होंने ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर रखा है वो रिश्ते ख़राब करने के लिए, प्यार ख़राब करने के लिए और आपकी शांति और सुकून छीनने के लिए कहीं ना कहीं। ओके, देखते हैं उनको क्या सज़ा मिल रही है। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है कंपैरिजन का। ओके, काफ़ी कार्ड्स कूद रहे हैं, दैट्स गुड। राइटनेस, अमेजिंग, टोटैलिटी, सक्सेस, ओके, ये ले लेते हैं। प्रोजेक्शन एंड देन थंडरबोल्ट, फाइन, ये नहीं लेते, काफ़ी हो गए कार्ड्स। आई वॉन्ट टू कीप द रीडिंग्स शॉर्ट एंड सिंपल। ओके, तो आपका फर्स्ट थिंग ये दिखाई देता है आप लोगों के लिए, जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है उसकी लाइफ में फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम्स नहीं चल रहे, और इसकी वजह से आपको लग रहा है कि उसके लाइफ में कभी प्रॉब्लम होंगे भी या नहीं, या मुझे ही सफ़र करना है, सिर्फ मुझे ही पेन में रहना है और वो ठीक से अच्छे से जी रहा है, ये आपका मेजर कंसर्न मुझे दिखाई देता है। बट यूनिवर्स ने आपको इस वीडियो तक पहुँचाया, क्योंकि आपको मन शांति इस वीडियो के बाद डेफिनेटली मिलेगी। ये इंसान का फर्स्ट थिंग, मैं डिटेल्स में जाऊंगी, बट फर्स्ट कार्ड के बारे में बात करूंगी, बट फर्स्ट थिंग जो मुझे पॉइंट आउट करना है ना, वो ये है कि इस इंसान को जो है किसी भी तरह से सुख प्राप्ति आगे मुझे दिखाई नहीं देती, ठीक है। टोटलिटी के कार्ड आया है, टोटलिटी का कार्ड आया है, ठीक है, यानी कि पूरा, ये तो ऊपर रखूँगी मैं यहाँ पर, ठीक है, ऊपर रखूंगी मैं, इतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये कार्ड आ गया है। इसमें इस इंसान को जो है आगे जाकर सिचुएशन ऐसे होने वाली है जहाँ पे ये इंसान कम्प्लीटली बौखला जाएगा, कम्प्लीटली यूजलेस बन जाएगा। ओके, ना इसकी लाइफ में रिस्पेक्ट रहने वाली है, ना सक्सेस रहने वाला है, ना प्रॉस्पेरिटी रहने वाली है, ना कुछ। ये इंसान कम्प्लीटली जो है जिसके ऊपर इसने भरोसा रखा है ना, वही इंसान उसको कभी भी उसका हाथ नहीं थामेगा या फिर सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। आई सी दैट हैपनिंग कि इस व्यक्ति ने जितना भी जो ब्लैक मैजिक करता है ना गाइस, किसी हेतु से करता है, किसी चीज़ के लिए करता है। फॉर एग्जांपल, आपसे प्यार छीनने के लिए, या फिर आपसे प्रॉपर्टी छीनने के लिए, आपसे पैसा छीनने के लिए, जिस भी लिए इस इंसान ने किया हुआ है मैजिक, वही जो वजह है ब्लैक मैजिक की, वही उसे कभी भी मिलती नहीं नज़र आ रही इन फ्यूचर, ना ही वो मिलेगी और वही चीज़ उसे धोखा देगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके लवर को छीनने के लिए ब्लैक मैजिक किया गया है तो आपके लवर ही उनको धोखा देकर आएंगे। अगर इन्होंने पैसे के लिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है तो वो पैसा ही उन्हें छोड़कर चला जाएगा, पैसा ही किसी और को मिल जाएगा, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, या फिर इन्हीं के हाथ से इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा इनका खुद का, उनको वो पछता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जिसके लिए वो ये कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी सज़ा है, देखिए इन्होंने बहुत इफ़र्ट्स डाले इस ब्लैक मैजिक में और ये सारी चीज़ों में, तो इतना सब कुछ करके भी अगर इस इंसान को वो चीज़ नहीं मिलती है तो फिर ये इंसान, आप सोचिए, बावला हो जाएगा, पागल हो जाएगा। ये दिखाई देता है प्रॉब्लम होता हुआ। आई ऑल्सो सी कंपेरिजन का कार्ड आया है समवेयर। ये इंसान ना अपने आप को दूसरों से तोलने में ही अपनी ज़िंदगी वेस्ट करने वाला है। हम क्या होते हैं ना, कोई अच्छा इंसान जो होता है वो अपनी अच्छाई के साथ दूसरों की अच्छाई पे खुश होता है, दूसरों के सक्सेस पे खुश होता है, या फिर दूसरे का सक्सेस देख के एटलीस्ट ये सोचता है कि मुझे भी यहाँ तक पहुँचना है, ये नहीं कि वो उसकी जगह मैं जाऊँ, वो नीचे आ जाए मैं ऊपर जाऊँ। ये अच्छा इंसान नहीं सोचता। अच्छा इंसान क्या सोचता है, वो अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है, और दूसरा ये सोचता है कि मैं भी वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, मैं भी उस मुकाम तक पहुँचना चाहता हूँ। इस इंसान की मेंटालिटी ये रही है कि उसको निकालो वहाँ से, मैं वहाँ पे जाऊँगा, है ना। तो इसके लिए ये ब्लैक मैजिक करे, तो समवेयर ये ज़िंदगी में ना कंपैरिजन में ही अच्छी चीज़ें, अच्छी खुशियाँ जो हैं वो खोने वाले हैं, कंपैरिजन में ही, कि मैं बेहतर कैसे हूँ, मेरी फैमिली बेहतर कैसे है, मेरा बच्चा कैसे बेहतर है, ये बेहतर 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 में ही जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे लोग हैं, ये ज़िंदगी में खो देगा ये इंसान। आई ऑल्सो सी कि आगे इसका आज जो सबसे बड़ा सक्सेस है वो कल इसका सबसे बड़ा फेलियर बनेगा, ठीक है।
आज अगर इसको ये लग रहा है कि मेरे पास ये है ये है ये है ये है, कल को वही चीज़ें नहीं रहने वाली इनके पास, और जो भी होगा ना इसके लाइफ में, जो भी होगा इस इंसान के लाइफ में, वो तेज़ी से होने वाला है। इसको आज देखिए, जैसे आपको मैंने कहा ना, आपको लग रहा है कि आज तो इसके पास सब है, ये कब होगा, तो ये आंसर है आपके लिए। थंडर बोल्ट का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि ये ऐसे ऐसे क्विकली हो जाएगा ना, ऐसा देखिए यूनिवर्स का जो है ना, कर्मा का चक्रा जो है ना, वो जब घूमेगा इसकी दुनिया पलट जाएगी, ये ऐसे ऐसे करके नीचे आ जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा इसको, ना इसको समझ में आएगा ना आपको, आपको लगेगा कि कल तक तो ये मुकाम हासिल कर रहा था अपनी लाइफ में और आज ये रोड रोड पे आ गया है। सो इतनी फास्ट जो है चेंजेस आने वाले हैं इस इंसान की लाइफ में, जहाँ पे इस इंसान को कोई यू नो कोई एक्टिविटी, कोई स्टेप लेने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। इतना फास्ट जो है डिस्ट्रक्शन होने वाला है इसकी लाइफ में। आज जो इसका सक्सेस है, कहीं कल वही चीज़ इसकी फेलियर बन जाएगी, ठीक है। एंड आई ऑल्सो सी कि किसी चीज़ के लिए ये पेशेंस रख रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ के लिए का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए पेशेंस रख रहे हैं, या फिर किसी चीज़ की यू नो मांग कर रहे हैं और उनको नहीं मिल रहा, और वो वेट कर रहे हैं, पेशेंस दिखा रहे हैं, ओके। जैसे कि मैं रिटायर होने की बात कर रही हूँ, रिटायर होने की कोशिश कर रहे हैं शायद, या फिर शादी होने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है किसी चीज़ के लिए ये वेट कर रहे हैं, और वो वेट जो है उसका फल इनको कभी नहीं मिलेगा। ये है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि मैं रिटायर हो पाऊँगा, वो नहीं रिटायर हो पाएंगे। अगर वो शादी करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक इंसान से, तो वो नहीं होगी, ठीक है, उनका फल, क्योंकि गलत करते हो कर्मा, फिर गलत ही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, राइट। सो समवेयर ये इंसान जिस चीज़ के लिए आज लड़ रहा है, झगड़ रहा है, भिड़ रहा है और वेट कर रहा है, इसको हासिल नहीं होगा लाइफ पे, ठीक है। तो ये था रीडिंग जिन्होंने पिंक ब्रेसलेट चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है, आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा, आज की क्लिंजनिंग और प्रेयर्स रिसीव करना चाहते हो तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स, थैंक यू फॉर द क्लिंजनिंग ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में। एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे उसमें काफ़ी प्रोटेक्शन वगैरह के बारे में हम बात करेंगे, प्रोटेक्शन के लिए कौन से एंजल्स होते हैं, प्रोटेक्शन स्पेल्स सिखाए जाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7666157456 पे, मैं ज़रूर आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग, आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ब्लू कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया था, देखते हैं आपका कोर का रीडिंग का कोर क्या है, कोर मैसेज क्या है। अबेंडेंस, ओके, यानी कि हो सकता है कि ये ब्लैक मैजिक जो आपके ऊपर किया गया है वो पैसे के लिए किया गया हो, पैसा, प्रॉपर्टी, और आपका सुख, चैन, समृद्धि दिखी नहीं जाती, लोगों से देखी नहीं जाती, ठीक है, इसलिए उस इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। अब देखते हैं कि उसका पनिशमेंट क्या मिलने वाला है इस इंसान को। ओके ओके, एडवेंचर, करेज, मूवमेंट टू मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड जब आता है तो मुझे ऐसे रीडिंग्स में तो काफ़ी डीप कार्ड आता है। ओके, देन वी हैव स्ट्रेस, ओके, इसके बारे में और कुछ बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं, बट फिर भी लेट्स सी, और एक एक कार्ड आ जाए, एक दो यूनिवर्स, ठीक है। लेजीनेस, एक कार्ड और आता तो ओके, दो आए हैं पर मुझे एक एक ही चाहिए था, यूनिवर्स वन कार्ड, ओके, लेटिंग गो, फाइन, ठीक है। सो ये इंसान जो है, इसका पहली सजा तो ये होगी कि ये इस इंसान की ना गाइस सज़ा ऑलरेडी शुरू हो गई है, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है 100% इस इंसान की। आपको पता हो सकता है या फिर नहीं, इस बात का पता आपको हो सकता है या नहीं, बट डेफिनेटली इसकी सज़ा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, क्योंकि कार्ड आया है मूवमेंट टू मूवमेंट, यानी कि ज़िंदगी में ये हर चीज़ में सफ़र करेगा, ठीक है,
हर चीज़ में सफ़र करेगा, यानी हर चीज़ से भी ज़्यादा ना हर मोमेंट सफ़र करेगा। यानी कि अगर कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है उसमें फेलियर, अगर कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है तो सामने वाला मिसअंडरस्टैंड कर लेगा, ओके कहीं अपनी बात कर रहा है तो दूसरा उसको टोक कर अपनी दूसरे की बात शुरू कर देगा समवेयर ना। ये जो पल पल में दुख होता है ना, मोमेंट टू मोमेंट का काढ़ा है, पल पल में दुख होता है ना, वो ये एक्सपीरियंस करने वाला है ये इंसान, और इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसकी शुरुआत हो चुकी है, ये ब्लैक मैजिक जो है उस पर उलटना शुरू हो चुका है। ओके आई सी दैट आपकी ज़िंदगी में भी छोटे छोटे सक्सेस आना अभी शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक जो है वो उलट रहा है इस इंसान पे अभी, ठीक है। आई सी कि ये इंसान जो है ना, एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बताती हूँ, ये इंसान ना कुछ हड़बड़ी में करने जाएगा, ठीक है, इसे लास्ट मोमेंट में कुछ करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, और ये करेगा, वो अपॉर्चुनिटी उठाएगा, ये करने की कोशिश करेगा और मुंह पे गिरेगा जाके, ठीक है। इसका जो जो हड़बड़ी में डिसीजन लेने, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी इस इंसान की लाइफ में जहाँ पे उसे लास्ट मोमेंट में डिसीजन लेना पड़ेगा, और जो लास्ट मोमेंट में ये डिसीजन लेगा उसमें पूरा गलत जाने वाला है वो डिसीजन, और पूरा मुंह पे गिरने वाला है ये इंसान, बहुत तकलीफ़ होने वाली है, उस गलती को सुधारते सुधारते ज़माना लग जाएगा इस इंसान को, ये दिखाई देता है कहीं ना कहीं, ठीक है। आई ऑल्सो सी कि इस, हाँ यही मैं बता रही थी आप लोगों को कि समवेयर ये भी कार्ड वही यही बताता है हमें कि जो जल्दबाजी में कर डिसीजन ये लेगा उसका बहुत बड़ा भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा, बहुत भुगतना पड़ेगा इसको, स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ेगा इस इंसान को अपनी लाइफ में, ठीक है। इस इंसान का ये दिखाई देता है मुझे कि ये इंसान किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, ये बहुत बड़ी दिक्कत, क्योंकि ये गलत है, ये बुरा है इंसान, तो इसको दुनिया भी बुरी ही लगेगी। यानी कि मैं जैसा ये बिहेव करता है दूसरों के साथ, इसे हमेशा ये डर बना रहेगा ज़िंदगी में कि कोई आएगा और कोई वैसा मेरे साथ बिहेव करेगा, ठीक है। आई सी दैट ये बहुत स्ट्रेस में रहने वाला है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी इन इमेंस स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस इन इज एंटायर लाइफ, पूरे लाइफ में ये स्ट्रेसफुल इतना रहने वाला है ना कि आगे जाके इसे इतनी हेल्थ कंडीशंस, इतने प्रॉब्लम्स, इतनी थकान, इतने फेलियर्स देखने पड़ेंगे, और लास्ट में ना अंत में इसकी लाइफ में ऐसा हो जाएगा कि भरोसा नहीं है, इसलिए ये रिश्ते तोड़ते जाएगा और अकेला पड़ जाएगा लाइफ में। इस इंसान को इन फ्यूचर हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी दिखाई देते हैं, ठीक है, हेल्थ इश्यूज सच एज स्ट्रेस की वजह से तो काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, कैंसर तक बात जा सकती है, बट आई सी समवेयर कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज इसको काफ़ी आएंगे, और उस हेल्थ इशू में वही पैसा जो कमाया हुआ है सारा निकल जाने वाला है, या तो इसे हेल्थ इशू होगा या फिर इसके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को, बट आई सी कि कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेस ये लेकर बैठ जाएगा, ये प्रॉब्लम मैं कह रही हूँ ना, मोमेंट टू मोमेंट सफ़र, हर मोमेंट में सफरिंग इसकी लाइफ में मुझे दिखाई देती है। साथ ही ये इंसान जो है इन लाइफ ना लेट गो करना नहीं जानता, जाने दो ये नहीं जानता, ठीक है, इसलिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी का टेंशन लेकर, सभी की बातें लेकर बैठकर जमा पूंजी जो बना रहा है ये, आगे जाके इसका प्रेशर कुकर फटने वाला है, ओके, और उस प्रेशर कुकर के फटने से सिर्फ इसका ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी हेल्थ इश्यूज़ एक काफ़ी बड़ा कंडीशन मुझे इन फ्यूचर इसको पनिशमेंट बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज़ ही दिखाई देती है मेजरली, ठीक है। सो ये था रीडिंग जिन्होंने ब्लू ब्रेसलेट्स चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आज की प्रेयर्स या फिर क्लिंजनिंग रिसीव करना चाहते हो तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स, थैंक यू फॉर द क्लिंजनिंग लिखिए कमेंट बॉक्स में। एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हो, ऐसे लोगों से कैसे प्रोटेक्शन लिया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए कौन से एंजल्स होते हैं, स्पेल्स प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ये सारा कुछ सिखाया जाएगा आपको कोर्स में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर है 7666157456, मैसेज कीजिए, मैं सारे डिटेल्स आपको दे दूँगी, ओके। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़ गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एन्जॉय, stay blessed and stay protected.